फोर्ड मोटर्स ने भारत की दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद करने का फैसला किया है। इन दोनों बड़ी यूनिट्स में काम कर रहे हजारों वर्कर्स मायूस हैं। $2 अरब के घाटे से फोर्ड की कमर टूट गई है, लेकिन भारत में फोर्ड की अभी जो स्थिति है वो पहले नहीं थी। एक असली किस्सा आपको सुनाते हैं। एक दौर ऐसा भी था जब फोर्ड ने रतन टाटा को कभी अपने हेडक्वार्टर में बेइज्जत करने की कोशिश की थी। रतन टाटा 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे। भारत में तब टाटा मोटर्स ट्रक बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी। 1998 में रतन टाटा ने कार बनाने का बड़ा फैसला किया। 1998 के आखिर में ही रतन टाटा इंडिका लेकर बाजार में आए। उस वक्त इंडिका पहली मॉडर्न कार थी जिसे किसी भारतीय कंपनी ने बनाया था। रतन टाटा और उनकी टीम की कड़ी मेहनत के बाद जब कार मार्केट में लॉन्च हुई तो इस कार से बाजार को उम्मीदें बहुत थी, लेकिन रतन टाटा का सपना बिखरने लगा था। दिल्ली मुंबई की सड़कों पर बारिश के बीच अगर कोई कार सबसे ज्यादा फेल हुई तो वो इंडिका ही थी। देश के दिग्गज टाटा ग्रुप के लिए ये बड़ा झटका था। 1999 में टाटा ग्रुप ने कार कारोबार को बेचने की तैयारी कर ली थी। फोर्ड मोटर्स ने टाटा मोटर्स के लिए बोली भी लगाई। अमेरिका में फोर्ड के मुख्यालय डेट्रॉयट से टाटा को डील फाइनल करने का मैसेज आया। रतन टाटा निराश थे, लेकिन वो अपनी टीम के साथ भारी मन से डेट्रॉयट पहुंचे। मीटिंग में रतन टाटा को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड ने भारत के नामी बिजनेसमैन को बेइज्जत करने की कोशिश की। मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से ये तक कह दिया कि जब आपके पास कार बनाने का कोई अनुभव ही नहीं था तो टाटा ने ये बचकानी हरकत क्यों की। फोर्ड ने कहा कि हम आपका कार बिजनेस खरीद कर आप पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा बुरी तरह से हिल गए और उन्होंने उसी वक्त कार बिजनेस को बेचने का फैसला टाल दिया। अगली फ्लाइट से वो अपनी टीम के साथ मुंबई लौटे। रतन टाटा के इरादे बुलंद थे। लक्ष्य एक था कि कैसे फोर्ड को सबक सिखाना है, लेकिन चैलेंज आसान नहीं था। दुनिया में रुतबे वाली फोर्ड मोटर्स उस वक्त दुनिया के कार सेगमेंट की किंग थी, लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलता है। 2008 में टाटा मोटर्स पूरी दुनिया में छाने को बेताब थी। उधर फोर्ड मोटर्स की हालत दिनों दिन खस्ता होती जा रही थी। 2008 में रतन टाटा ने पासा पलटा और टाटा मोटर्स ने फोर्ड की लैंड रोवर और जगुआर ब्रांड को खरीदने का ऑफर दे दिया। तब इन दोनों कारों की बिक्री बेहद खराब थी। फोर्ड को काफी घाटा हो रहा था। फोर्ड की टीम मुंबई आई। बिल फोर्ड को यहां तक कहना पड़ा कि आप हम पर बड़ा फेवर कर रहे हैं, अगर चाहते तो रतन टाटा इन दोनों ब्रांड्स को बंद कर सकते थे, लेकिन रतन टाटा ने ऐसा नहीं किया। टाटा ने कामगारों की भावना समझी। आज लैंड रोवर और जगुआर दुनिया की बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स में शुमार हैं। टाटा मोटर्स दुनिया की बड़ी कार कंपनी है और रतन टाटा भारत के बड़े सम्मानित उद्योगपतियों में से एक हैं। एक ऐसा शख्स जिसे बिल फोर्ड की तरह गुरूर नहीं है। रतन टाटा ना सिर्फ अपनी कंपनी के कामगारों की इज्जत करते हैं, बल्कि लोगों की सहायता में भी आगे रहते हैं। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि सफलता से बेहतर कोई बदला नहीं होता। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हमसे यूं ही मिलते रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस। शुक्रिया।